नमस्कार दोस्तों, एम एंड सी एजुकेशन में आप सबों का बहुत बहुत स्वागत। आज के इस वीडियो सेशन में हम जनरल साइंस सामान्य विज्ञान कलेक्शन ऑफ 20 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, 20 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह का सेट 6, छठा सेट देखने जा रहे हैं। ये कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस जो आज के वीडियो सेशन में हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो किसी भी कम्पिटेटिव एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं साइंस के लिए। जो भी कम्पिटेटिव एग्जामिनेशन में साइंस पूछे जाते हैं, जैसे एसएससी सीजीएल, एसएससी सीएचएसएल, स्टेट पीसीएस जैसे बीपीएससी, जेपीएससी, यूपीपीएससी, एचपीएससी और भी विभिन्न राज्यों के जो पीसीएस हैं, पब्लिक सर्विस कमीशन हैं, उनके पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट। साथ ही ये जो हम क्वेश्चंस के कलेक्शन देखने जा रहे हैं वो यूपीएससी जैसे प्रेस्टिजियस एग्ज़ाम के लिए भी बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, क्योंकि उसमें भी सामान्य विज्ञान जनरल साइंस के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आइए बिना ज़्यादा समय गवाए हम जो है बिना कोई देरी किए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। आज के सेशन का पहला क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू द डिस्कवरी ऑफ एटम। इसका मतलब ये हुआ कि निम्नलिखित में से कौन जो है डिस्कवरी ऑफ एटम के लिए एटम से रिलेटेड हैं, एटम से एटम की परमाणु के खोज से कौन से निम्न में से निम्नलिखित में से कौन से वैज्ञानिक संबंधित हैं। ऑप्शंस है रॉबर्ट कॉच, नील्स बोर, क्रिश्चियन एक्मैन, इवांजेलिस्टा टोरिसेली। तो हम सबों को पता है कि नील्स बोर नामक वैज्ञानिक ने एटम की खोज की थी, परमाणु की खोज की थी। तो इस तरह से इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी, नील्स बोर। बी। अगर बाकी ऑप्शंस को देखें तो इसमें पहला ऑप्शन रॉबर्ट कॉच है, जिन्होंने टीबी ट्यूबरक्लोसिस, टीबी कॉजिंग बैक्टीरिया की खोज करी थी। सी ऑप्शन है क्रिश्चियन एक्मैन, जिन्होंने विटामिन्स की खोज करी थी। टोरिसेली ने बैरोमीटर की खोज करी थी। क्वेश्चन नंबर टू देखते हैं, ग्रेगर जॉन मेंडल इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग साइंटिफिक डेवलपमेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग साइंटिफिक डेवलपमेंट्स। जो ग्रेगर जॉन मेंडल हैं वो किस वैज्ञानिक खोज के लिए, किस वैज्ञानिक खोज से संबंधित हैं ये हमें बताना है। ग्रेगर जॉन मेंडल इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग साइंटिफिक डेवलपमेंट्स। ऑप्शंस हैं इन्वेंशन ऑफ प्रिंटिंग प्रेस, थियरी ऑफ कॉस्मिक इवोल्यूशन, लॉज ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेट्स, क्लासिफिकेशन ऑफ पीरियडिक टेबल। तो ग्रेगर जॉन मेंडल जो है इन सभी में से किससे रिलेटेड हैं ये हमें बताना है। फटाफट से बताइए, अपने ऑप्शंस को एक नोटबुक में लिखिए और क्रॉस चेक करिए, इससे आपको अपनी तैयारी का पता चल जाएगा। तो ये जो है इसका करेक्ट आंसर है सी, लॉज ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेट, यानी कि सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। बाकी ऑप्शंस को अगर हम देखें तो इन्वेंशन ऑफ प्रिंटिंग प्रेस, इन्वेंशन ऑफ प्रिंटिंग प्रेस जो है वो जोहानस ग्यूटेनबर्ग ने किया था। थियोरी ऑफ कॉस्मिक इवोल्यूशन जो कि बी ऑप्शन है वो एरिक चाइसन ने किया था। क्लासिफिकेशन ऑफ पीरियडिक टेबल जो कि डी ऑप्शन है वो दिमित्री मेंडलीव ने किया था। तो इस तरह से सी
जो लॉज ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेट्स है उसकी खोज करी थी, उससे रिलेटेड हैं जो साइंटिस्ट, वो है ग्रेगर जॉन मेंडल। क्वेश्चन नंबर थ्री है, हु अमंग द फॉलोइंग साइंटिस्ट इज कनेक्टेड टू द थियोरी ऑफ इवोल्यूशन? हु अमंग द फॉलोइंग साइंटिस्ट इज कनेक्टेड टू द थियोरी ऑफ इवोल्यूशन, मतलब थियोरी ऑफ इवोल्यूशन से कौन से वैज्ञानिक संबंधित हैं? ऑप्शंस है चार्ल्स डार्विन, जेम्स वॉट, विलियम वुंट, फ्रेडरिक सेंजर। हम सबों को पता है कि चार्ल्स डार्विन ने थियोरी ऑफ इवोल्यूशन की खोज की थी। इस तरह से इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ए। बाकी ऑप्शंस को अगर देखें तो जेम्स वॉट ने हमें क्या दिया? जेम्स वॉट ने हमारे लिए स्टीम इंजन की खोज करी थी। विलहम वुंट ने विलहम वुंट को जो है फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी माना जाता है। फ्रेडरिक सेंजर स्ट्रक्चर ऑफ इंसुलिन मॉलिक्यूल इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। तो इस तरह से चार्ल्स डार्विन ने थियोरी ऑफ इवोल्यूशन दिया था। क्वेश्चन नंबर फोर है, व्हाट इज द टाइप ऑफ रिएक्शन गिवन बिलो कॉल्ड? ये एक नीचे जो है हमें एक रिएक्शन दिया हुआ है, ये रिएक्शन है और हमें ये बताना है कि ये जो है किस तरह का रिएक्शन है। एडिशन रिएक्शन है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, रीअरेंजमेंट रिएक्शन है या इवांजेलिस्टा रिएक्शन है। तो इसमें है CH4 मीथेन प्लस Cl2 क्लोरीन इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तो ये CH3Cl प्लस HCl। तो ये जो है क्लोरोमीथेन और हाइड्रोक्लोरिक एसिड बना रहे हैं। तो यहाँ पर अगर देखिए तो CH4 का एक H जो है रिप्लेस हो गया है क्लोरीन एटम से। तो इस तरह से जो है क्या हुआ कि इसको हम सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहते हैं। इसमें एक H डिस्प्लेस हो गया CH4 से और वो Cl के साथ मिल गया है। तो यहाँ पर देखिए CH3Cl और HCl दो प्रोडक्ट्स बने हैं। तो इस तरह से बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। बी ऑप्शन है क्या है, ये है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, फिर यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज द काउज ऑफ ब्लू बेबी सिंड्रोम? ब्लू बेबी सिंड्रोम का क्या कारण है ये हमें बताना है। ऑप्शंस हैं इंक्रीज्ड सिक्रेशन ऑफ हार्मोन एल्डोस्टेरोन, इंक्रीज्ड सिक्रेशन ऑफ हार्मोन एल्डोस्टेरोन, हाई नाइट्रेट लेवल इन ड्रिंकिंग वाटर, एक्स्ट्रा कॉपी ऑफ क्रोमोसोम 21 रिजल्टिंग इन एवरेज IQ लेवल, वायरल इन्फेक्शन एकॉम्पेनिड बाय फ्लू एंड फीवर। व्हाट इज द काउज ऑफ ब्लू बेबी सिंड्रोम? ब्लू बेबी सिंड्रोम का क्या कारण है? तो ये है हाई नाइट्रेट लेवल ऑफ ड्रिंकिंग, हाई नाइट्रेट लेवल इन ड्रिंकिंग वाटर। इस तरह से इसका ऑप्शन जो है बी करेक्ट हो जाएगा। बी ऑप्शन के साथ हम जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है, ऑर्डिनरी सोप्स कैन नॉट फंक्शन इन हार्ड वाटर बिकॉज? ऑर्डिनरी सोप जो होता है वो वाटर, हार्ड वाटर में नहीं काम करता है। इसका क्या कारण है ये हमें बताना है। ऑप्शंस हैं फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट अकर्स विद Ca2+ एंड Mg2+ आयंस। तो ये जो है कैल्शियम और मैग्नीशियम आयंस के बनने से होता है, ऐसा ऑप्शन में कहा गया है। फिर कहा है डिकम्पोजिशन ऑफ सोप अकर्स, फिर है सेडिमेंटेशन ऑफ डिजॉल्व्ड सॉल्ट अकर्स, और फिर है फॉर्मेशन ऑफ कार्बोनेट्स, कार्बोनेटेड Na2+ एंड Mg2+ आयंस।
अकर। तो इन सभी में जो हार्ड वाटर में सोप के काम नहीं करने का जो कारण है वो है फॉर्मेशन ऑफ प्रिसिपिटेट अकर्स विद सी ए टू प्लस एंड एम जी टू प्लस आयन्स। ठीक है, तो इस तरह से ए ऑप्शन इसका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, व्हेन अ बॉडी ए ऑफ मास एम वन एंड अ बॉडी बी ऑफ मास एम टू हैव वेलोसिटीज वी वन एंड वी टू रेस्पेक्टिवली, दे हैव इक्वल काइनेटिक एनर्जी, व्हाट विल द रिलेशन बिटवीन देयर मोमेंटम पी वन एंड पी टू बी। तो यहाँ पर हमें पी वन और पी टू के बीच का रिलेशन बताना है। तो जैसे अगर हम पी वन बाय पी टू करेंगे तो यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, पी वन बाय पी टू में एम वन वी वन अपॉन में एम टू वी टू। ठीक है, अब अगर उन्होंने ये दिया हुआ है कि दोनों की काइनेटिक एनर्जी बराबर हैं, तो पहले वाले का काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा हाफ एम वन वी वन स्क्वायर, जबकि दूसरे वाले का हो जाएगा हाफ एम टू वी टू स्क्वायर। अब यहाँ से एक रिलेशन हम निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें जो ऑप्शंस दिया हुआ है वो देखिए P1 वन बाय पी टू सब जगह पर है और M1 और M2 है राइट हैंड साइड में, सब में जितने भी A, B, C, D चारों ऑप्शंस को अगर आप देखें तो उनमें जो है आपके पास राइट साइड में M1 और M2 ही है। तो हम यहाँ पर से क्या कर सकते हैं, V1 और V2 के बीच का रिलेशनशिप निकाल लेते हैं। तो अगर आप देखिए यहाँ पर V1 वन बाय V2 हमारा क्या आ जाएगा, V1 वन बाय V2 का स्क्वायर आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आएगा V1 वन बाय V2 और इसका स्क्वायर है किसके बराबर, M2 टू बाय एम वन के बराबर, M2 टू बाय एम वन के बराबर। अब अगर यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो हमारे पास रूट अंडर ऑफ M2 टू बाय एम वन आ जाएगा, वो जब हम यहाँ पर डालेंगे इस जगह पे तो हमें क्या मिलेगा, M2 पर पावर आधा और M1 पर पावर आधा, फिर ये कैंसिल होके M1 बाय M2 दोनों पे होल पावर 1 बाय 2 हो जाएगा। तो ये जो है ऑप्शन वाइज अगर देखें तो डी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 8, विच पार्ट ऑफ द स्टेम इन सम वेराइटीज ऑफ कैक्टस हेल्प्स द स्टेम टू एक्सपेंड एंड कॉन्ट्रैक्ट डिपेंडिंग ऑन वाटर अवेलेबिलिटी। वाटर अवेलेबिलिटी के हिसाब से कुछ कैक्टस के कौन से पार्ट उनको कॉन्ट्रैक्ट और एक्सपेंड करने में मदद करते हैं, मतलब जब ज़्यादा वाटर होता है तो वो एक्सपेंड हो जाते हैं, जब कम वाटर होता है तो वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं। ऑप्शंस है रिब्स, बर्ड्स, ट्रंक, स्टोलॉन। तो इसका करेक्ट आंसर है रिब्स। तो किसी कैक्टस में रिब्स जो है उसको वाटर अवेलेबिलिटी के हिसाब से कॉन्ट्रैक्ट और एक्सपेंड करने में मदद करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, व्हाट इज द नेचर ऑफ पीएच ऑफ सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन। सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन मतलब NaCl, NaCl सॉल्यूशन का जो नेचर है वो कैसा है ये पूछ रहे हैं। अब देखिए सॉल्यूशन क्या मतलब वाटर के साथ,
तो जब वाटर के साथ हम यहाँ पर जो है नेचर ऑफ पीएच ऑफ सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन कह रहे हैं, तो हम सबों को पता है कि ये न्यूट्रल होते हैं NaCl वाले में, क्योंकि यहाँ पर फ्री हाइड्रोजन मिलते नहीं हैं, तो ये जो है ये न्यूट्रल यानी कि सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, व्हाई डू मोस्ट लाउड स्पीकर्स हैव ड्राइवर्स माउंटेड इनसाइड सम कैबिनेट्स। ज्यादातर लाउड स्पीकर में ड्राइवर्स जो है कैबिनेट के अंदर क्यों रखे जाते हैं, ये बताना है हमें, इसका ऑप्शन बताना है। टू प्रोटेक्ट द स्पीकर फ्रॉम डैमेज, टू प्रिवेंट अननेसेसरी आउटसाइड साउंड फ्रॉम इंटरफेयरिंग, टू अलाउ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, टू प्रिवेंट डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। और इसका करेक्ट आंसर है टू प्रिवेंट डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। डी ऑप्शन इसका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 11 है, आइडेंटिफाई द कैरेक्टरिस्टिक फीचर एसोसिएटेड विद अ फोर चैम्बर्ड हार्ट ऑफ ह्यूमन बीइंग। ऑप्शंस है, इट कंटेन्स वन वेंट्रिकल एंड टू एट्रिया, इट कंटेन्स वन वेंट्रिकल एंड वन एट्रियम, इट यूजेस गिल्स टू फिल अप ऑक्सीजन इन द ब्लड सप्लाई, एंड लास्ट ऑप्शन है, इट सेपरेट्स ब्लड डेफिशियंट इन ऑक्सीजन फ्रॉम ऑक्सीजन रिच ब्लड। और इसका करेक्ट आंसर है डी, इट सेपरेट्स ब्लड डेफिशियंट इन ऑक्सीजन फ्रॉम ऑक्सीजन रिच ब्लड। क्वेश्चन नंबर 12 है, विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल्स डज नॉट फीचर इन द कोको सॉलिड्स यूज टू प्रिपेयर चॉकलेट्स। ऑप्शंस हैं, थियोब्रोमीन, फेनीथैलामाइन, कैफीन, ट्राइक्लोरो इथेन। और इसका करेक्ट आंसर है ट्राइक्लोरो इथेन। ट्राइक्लोरो इथेन इसमें यूज नहीं होता है चॉकलेट बनाने के दौरान, बाकी सारी चीजें यूज होती हैं, विच इंक्लूड्स थियोब्रोमीन, फेनीथैलामाइन, कैफीन। क्वेश्चन नंबर 13 इज, क्रैसुलियन एसिड मेटाबॉलिज्म इज रिलेटेड टू। क्रैसुलियन एसिड मेटाबॉलिज्म इज रिलेटेड टू नाइट्रोजन फिक्सेशन प्रोसेस, सल्फर फिक्सेशन प्रोसेस, कार्बन फिक्सेशन प्रोसेस, फॉस्फोरस फिक्सेशन प्रोसेस। और इसका करेक्ट आंसर है सी, कार्बन फिक्सेशन प्रोसेस। क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट फॉर पावर। पावर के लिए कौन सा करेक्ट नहीं है, पी इज इक्वल टू आई वी, पी इज इक्वल टू आर इन टू आई स्क्वायर, पी इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर, पी इज इक्वल टू वी बाय आर स्क्वायर। अगर हम देखें तो पावर क्या है, पावर जो है वो ई बाय टी है। पी जो है वो क्या है, ई बाय टी, एनर्जी सप्लाइड पर यूनिट टाइम। और एनर्जी क्या है, जो चार्ज है और पोटेंशियल डिफरेंस का प्रोडक्ट है, अपॉन में टी होगा, ठीक है। फिर जो है क्यू बाय टी को हम क्या लिख सकते हैं, क्यू बाय टी को हम लिख सकते हैं आई, और ये आई इंटू वी हो गया। तो इस तरह से हमारा पहला जो ऑप्शन है आई इंटू वी, ये तो करेक्ट है। उसके बाद जो है हमारे पास वी इज इक्वल टू आई आर एक रिलेशन होता है, तो
इज इक्वल टू आई आर एक रिलेशन है, वो अगर हम यहाँ यूज करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर क्या आएगा, आई स्क्वायर आर हो जाएगा, जो कि दूसरा वाला है, तो वो भी करेक्ट हो गया। मतलब ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है। उसके बाद आई स्क्वायर आर हो जाएगा ये, इसको यूज करने के बाद, तो आई स्क्वायर आर भी हमारे पास आ गया। उसके बाद अगर हम आई इज इक्वल टू यहाँ पर वी बाय आर यूज करेंगे, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, वी स्क्वायर बाय आर आ जाएगा। ठीक है, वी स्क्वायर बाय आर आ जाएगा। इस तरह से ये सी भी सही हो गया, और एज अ रिजल्ट हमारा डी डेफिनेटली गलत हो गया, क्योंकि सी और डी जो है रेसिप्रोकल हैं एक दूसरे के। तो क्वेश्चन नंबर 14 भी हमारा हो गया। क्वेश्चन नंबर 15 पे आ रहे हैं। इफ द मास ऑफ द अर्थ इज इंक्रीज बाय 20%, वाट विल बी द परसेंटेज वेट चेंज ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। 20% डिक्रीज, 30% इंक्रीज, 20% इंक्रीज, 80% डिक्रीज, और इसका करेक्ट आंसर होगा 20% इंक्रीज, क्योंकि वेट से जो उनका अट्रैक्शन है वो डायरेक्टली रिलेटेड है, और वेट का उस पर असर पड़ता है, तो जितना वो बढ़ा हुआ है 20% से बढ़ा दिया गया, तो 20% जो है वेट भी बढ़ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16। वेयर डज मोस्ट ऑफ डाइजेशन ऑफ फूड फैट अकर्स इन ह्यूमन बॉडी। देखिए यहाँ पर फैट के बारे में पूछा गया है कि फूड फैट कहाँ पर ज्यादातर पचता है, मतलब डाइजेस्ट होता है, माउथ, ओसोफेगस, इंटेस्टाइन, स्प्लीन, और इसका करेक्ट आंसर है इंटेस्टाइन। और अगर टू बी प्रिसाइज तो स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन में ज़्यादातर जो फूड फूड फैट होते हैं, मतलब फैट इन फूड जो हम खाते हैं, उसमें जो हम फैट खाते हैं, वसा जो होता है, उसका ज़्यादातर डाइजेशन स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। ठीक है, तो इस तरह से सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस विल बी लिबरेटेड व्हेन सोडियम बाइकार्बोनेट इज एडेड टू एसिटिक एसिड। सोडियम बाइकार्बोनेट मतलब NaHCO3, जब रिएक्ट करेगा किससे, CH3COOH, सोडियम बाइकार्बोनेट जब रिएक्ट करेगा किससे, एसिटिक एसिड से, CH3COOH से, तो हमें जो बनता है, जो प्रोडक्ट हमें मिलता है, वो मिलता है CH3COONa, और साथ में मिलता है H2O, और साथ में मिलता है CO2। अब यहाँ पर अगर ऑप्शन देखेंगे तो पहला ऑप्शन है H2O, दूसरा है CO, तीसरा है CO2, और चौथा है O2। यहाँ पर अब एक बात और है कि देखिए H2O भी है और CO2 भी है, CO2 भी है, H2O भी है, तो H2O जो है यहाँ पर ये वाटर के फॉर्म में है, मतलब ये लिक्विड फॉर्म में होता है, और ये जो है ये गैसियस फॉर्म में होता है। तो हमें यहाँ पर क्वेश्चन में जो पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस विल बी लिबरेटेड व्हेन सोडियम बाइकार्बोनेट इज एडेड टू एसिटिक एसिड, तो इसके लिए हमें करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, CO2 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं। द डाई रिस्पॉन्सिबल फॉर द ब्लू कलर ऑफ जींस इज, जींस के ब्लू कलर के लिए
कौन सा उत्तरदायी है? सेफ्रानाइन, इंड्यूलाइन, इंडिगो, रोहोडा माइन। तो इसका करेक्ट आंसर है इंडिगो। इंडिगो का कलर ब्लू होता है, तो वो जो है रिस्पॉन्सिबल होता है ब्लू कलर, जीन्स के ब्लू कलर के लिए। क्वेश्चन नंबर 19 है, अ कैटलिस्ट इंक्रीजेज रिएक्शन रेट बाय। कैटलिस्ट जो है रिएक्शन रेट को कैसे बढ़ाता है? आखिर कैटलिस्ट करता क्या है जिसकी वजह से रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज हो जाता है? तो यहाँ पर है ऑप्शंस में, डिक्रीजिंग द एक्टिवेशन एनर्जी बैरियर, इंक्रीजिंग द एक्टिवेशन एनर्जी बैरियर, डिक्रीजिंग द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट, इंक्रीजिंग द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द कोलाइडिंग मॉलिक्यूल। तो इसका करेक्ट आंसर है ए, डिक्रीजिंग द एक्टिवेशन एनर्जी बैरियर। मतलब ये एक्टिवेशन एनर्जी बैरियर को डिक्रीज कर देता है जिससे कि रिएक्शन रेट फास्ट हो जाता है। तो कैटलिस्ट जो है यही काम करता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 20, जो कि आज के सेशन का आखिरी क्वेश्चन है, हाउ कैन 2 ओम एंड 3 ओम बी अरेंज्ड सच दैट द रिजल्टेंट इज 4 ओम। अब 4 ओम हमें बनाना है। हमारे पास दो तरह के कनेक्शंस होते हैं रेजिस्टेंस के। ये रेजिस्टेंस दिए हुए हैं 2 ओम, 2 ओम और 3 ओम के। मतलब हमारे पास 3 रेजिस्टेंसेस हैं, तो हम उनको कैसे ऐड करें, कैसे कनेक्ट करें, जो कि हमारे पास जो 4 ओम का रिजल्टेंट मिले। तो हम जो है इसको कैसे ऐड कर सकते हैं? मान रखिए ये ऐसे चल रहा है। अब जो है एक हमारे पास यहाँ पर ऐसे कर लें, ये एक रेजिस्टेंस, और फिर एक दूसरा रेजिस्टेंस, और फिर जो है इसको हम एक ऐसे ऐड कर दें। ये 2 ओम ले लें, ये 2 ओम ले लें, और ये 3 ओम ले लें। तो 2 ओम 2 ओम अगर हमने पैरेलल में ऐड किया हुआ है, 2 ओम और 2 ओम को अगर हमने पैरेलल में ऐड किया हुआ है, तो इनका रिजल्टेंट जो है 1/2, 1/2 +1/2। मतलब यहाँ पर से जो है ये जैसे करंट जा रही है, तो इसमें जो रेजिस्टेंसेस का इनका जो वो होगा रिजल्टेंट हो गया 1, क्योंकि हाफ और हाफ। और फिर उसमें जब हम 3 ऐड कराएंगे तो हमें कितना मिल जाएगा? 4 मिल जाएगा। तो हम क्या करेंगे, 2 ओम वाले को पैरेलल कनेक्ट करेंगे, और 3 ओम जो वाला होगा, ये वाला 3 है, उसको हम सीरीज में ऐड कराएंगे। यानी कि ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं कि जब भी हम पैरेलल में ऐड करते हैं तो वो अपॉन में हमें ऐड करना पड़ता है, और जब हम सीरीज में करते हैं तो वो सीधा ऐड हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से हमने आज 20 बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस किए, जो कि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। आई होप यू हैव एंजॉयड दिस सेशन। प्लीज सब्सक्राइब MNC एजुकेशन फॉर मोर ऑफ सच वीडियोज। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, एंजॉय योर सेल्फ।